Sanjay Kulkarni, PVSM, 8VSM, Global Strategy Policy Foundation, Pune, Dr. Anand Bhagwat. I want to be a part of our address for today. After the lighting of the lamp, depicting the tradition of the movie. टूलिप गार्डन जो है वो पूरी तरह से फूल उसमें आए हुए हैं. टूरिस्ट सीजन का इंतजार है. उम्मीद करते हैं कि अप्रैल के महीने से टूरिस्ट सीजन वापस आ जाएगा. हालांकि कोविड की बीमारी के पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में किया हुआ है. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर सबको किया हुआ है. मगर तब भी मैं कह सकता हूं आपको कि कल जो लोग मेरे साथ आ रहे थे श्रीनगर, सब इसी इच्छा से आ रहे थे ना किसी तरह इस कोविड को हराकर हम टूलिप गार्डन को जरूर देखेंगे, कश्मीर को जरूर देखेंगे, गुलमर्ग को जरूर देखेंगे, पहलगाम जाएंगे, सोनमर्ग जाएंगे. हमारा काम खासतौर पर फौज का, इंतजामियत का, हुकूमत का काम यह होता है कि कैसे आवाम की जिंदगी में बढ़ोतरी लाए, कैसे कम से कम इंटरफेरेंस लाए. जो हमारा है यहां पर असली हथियार जो कश्मीर को जीतने का है वो सिर्फ एक है, वो है दिल. और उस दिल से हम कोशिश करते रहेंगे आवाम का दिल जीत. सूरवीरों के बलिदान और उनके परिवार के त्याग और तपस्या का शब्दों में वर्णन करना मुझे लगता है काफी दुरूह और मुश्किल कार्य है. लम्हों, दिनों, महीनों तथा सालों का इंतजार करना पड़ सकता है इसको बयां करने के लिए. उनकी होली दिवाली के रंगों में सिर्फ तिरंगा, कुछ अनकही अधूरी बातें और मिट्टी के प्रति, देश के प्रति उनका अगाध प्रेम और अगाध श्रद्धा ही झलकती है, यही कुछ कहा जा सकता है. भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अशोक चक्र से सम्मानित लांस नायक नजीर अहमद वानी की धर्मपत्नी श्रीमती महज बीन को यहां हम सबने सुना है. उन्हें मैं प्रणाम करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप जैसी वीर नारियों के सामने हिमालय का शिखर भी छोटा है. देशवासियों की रक्षा में लांस नायक नजीर अहमद वानी और अन्य वीर योद्धाओं ने जिस अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, मुझे लगता है कि वह नई पीढ़ी को पड़ोसी मुल्क द्वारा फैलाए गए आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा. अशोक चक्र, वीर चक्र से सम्मानित सियाचिन और कारगिल के हीरो नायब सूबेदार चुन्नीलाल, अब्दुल हमीद, सगीर अहमद पठान, मोहम्मद यूसुफ की वीरता और शहादत को
शब्दों में बयां करना किसी के लिए मुश्किल काम है। मैत्रेयी उपनिषद का एक श्लोक है, उत्तम तत्व चिंतयैव, जीवन में जो सबसे उत्तम है वही तत्व चिंतन है। और जब हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, उसकी विविध शाखाओं के बारे में सोचते हैं, तब वह कुछ और नहीं बल्कि तत्व की अनुभूति है। मैं जम्मू कश्मीर की संवेदनशील युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहूंगा, यह धरती हिंदुस्तान की संस्कृति का निचोड़ है। इसके होठों पर कृष्ण की बांसुरी भी है और सूफी संतों के गीत भी हैं। अर्जुन की तरह वीर पराक्रमी सैनिकों और शहीदों के परिवारों से प्रेरणा लेने की जरूरत है, और आज के दिन यह संकल्प भी लेने की आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और उनके मददगारों को कभी बख्शा नहीं जाएगा।